तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं करेला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसे हमें अलग अलग तरीके से बनाकर खाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए करेले की एकदम नई रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आपने कभी ना बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़ेदार से करेले की एकदम नई रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो करेले की एकदम नई और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ दो करेले लिए हैं और इसका हमें छिलका उतार देना है। तो इस तरह से हम नाइफ़ की हेल्प से सारा छिलका इसका उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, इस करेले की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ सिर्फ दो ही करेले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा करेले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसका छिलका उतार लिया है। अब उतार लेने के बाद बीच से हमें इसे कट कर देना है, क्योंकि बीच में से कट करके हमें इसके बीजे निकाल देने हैं, क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें इसके बीजों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली जो हम करेला बनाते हैं उसमें हम करेले के बीज का भी इस्तेमाल करते हैं और छिलके का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं ना, वो एकदम नई रेसिपी है, इसमें हमें बीज और छिलकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसे फेंक देंगे और यहाँ मैंने अच्छे से इसे वॉश कर कर चारों पीसेस को ले लिया है। अब हमें इसमें बीच से कट इस तरह से लगा देने हैं। तो तीन से चार पीसेस में हम इसे कट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टेस्टी मज़ेदार से करेले की रेसिपी को कैसे बनाना है। तो करेले के पीसेस यहाँ हो गए हैं। अब इसे हमें डालना है प्रेशर कुकर में। आप इसे कढ़ाई में या पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे एक कप पानी। तो आधा कप मैंने लिया है, अब आधा कप और ले लिया है। तो टोटल हमने इसमें एक कप पानी डाला है। अब पानी डालकर हमें इसकी लीड लगा देनी है, क्योंकि हम इसमें दो विसिल्स आने देंगे, क्योंकि हमें करेले को अच्छी तरह से गला लेना है। तो अब हम दो विसिल्स के बाद इसे चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दो विसिल्स आ चुकी हैं, अब हम इसे चेक कर देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेले बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं, हमें इसे गला लेना था इसी तरह से। अब इसे हम निकाल लेंगे और निकाल कर इसे हमें एक बार वॉश कर लेना है करेले को अच्छी तरह से, और जो पानी बचा हुआ है करेले का इसे हमें फेंक देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बर्तन को वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रेशर कुकर में ही करेले को बनाएंगे। आप कढ़ाई में या पतीले में बना सकते हैं। तो देखिए, करेले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसे हमें डालना है एक ब्लेंडिंग जार में, और ब्लेंडिंग जार में डालकर हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और एक बर्तन में इसे निकाल लिया है। अब वही हमने प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें हमें डाल देना है एक चम्मच घी। तो घी हम थोड़ा नॉर्मल वाले स्पून से ही लेंगे, देखिए इस तरह से लेना है हमें, और इसे मेल्ट होने देना है। और जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें पहले डालेंगे बादाम और काजू, और इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं रोस्ट होने के बाद। ये सिर्फ एक मिनट तक रोस्ट करेंगे। और बाकी बची हुई थोड़ी सी किशमिश है ना, इसे भी हमें डाल देना है। किशमिश को हमें लास्ट में डालना है, एकदम से पहले से नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जल्दी से फूल जाती है। तो हम इसे सिर्फ 15 सेकेंड के लिए काजू और बादाम के साथ में ही स्टर करते हुए पका लेंगे। अब देखिए, ये किशमिश फूल गई है। अब इसे हमें फ़ौरन ही निकाल लेना है। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, इसे हमें बारीक सा कट कर लेना है। अब बाकी के बचे हुए घी में हम डाल देंगे करेले जो हमने ग्राइंड कर रखे हैं। अब घी में इसे हम बराबर इसी तरह से अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट तक चलाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम ये बना रहे हैं करेले का हलवा। बहुत ही टेस्टी बनता है, मज़ेदार बनता है, और सबसे अच्छी बात ये है, ये इतना फ़ायदेमंद होता है कि आप इसे हर तरह के अलग अलग तरीके से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने कलर देने के लिए इसमें सिर्फ एक ड्रॉप डाला है ग्रीन फूड कलर, और एक ही ड्रॉप देखिए डालने पर कितना अच्छा कलर आ गया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर दें। बिना या कलर के भी आप इस हलवे को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने करेले की कई तरह की रेसिपी तो बनाई होंगी, अब आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से करेले के हलवे की रेसिपी ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और 1/3 कप हम इसमें डालेंगे दूध, और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम चलाएंगे। और गैस की फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है, मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से हमें इसे मिक्स करते हुए पकाना है। और इस करेले के हलवे को हम बनाएंगे बिना मावे के, बिना कंडेंस मिल्क के, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अच्छी तरह हम इसे बराबर इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो इसी तरह से हमें बराबर चलाते रहना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, क्योंकि हम इसमें मावा नहीं डाल रहे हैं, मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावे वाला ही इसमें टेस्ट आएगा, तो इसलिए हमने इसमें 2 ही चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अब अच्छी तरह से इसे बराबर चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। और इस करेले के हलवे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 10 से 12 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, आप देख सकते हैं थोड़ा ये गाढ़ा सा हो गया है। तो अब 2 मिनट तक और हम इसी तरह से हाई फ्लेम पे इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट तक भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध की जमी हुई गाढ़ी मलाई, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए डाली हैं ताकि करेले में कड़वापन ना लगे और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा इस तरह से। तो इसीलिए हमने इसमें सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा है जिससे कि करेले का हलवा बहुत ही टेस्टी बने। तो 2 मिनट तक और अच्छे से हमने मलाई डालकर इसे भून लिया है। अब इसमें लास्ट में कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश हमने डाल दिए हैं जो हमने रोस्ट करे थे। अब अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसे हमें सर्व कर लेना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमारा करेले का हलवा बनकर तैयार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा करेले का हलवा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा ये दिखाई भी दे रहा है। और फ्रेंड्स, देखकर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये टेस्टी मज़ेदार सा हलवा हमने करेले का बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपने हलवे तो कई तरह के बनाकर खाए होंगे, अब आप एक बार करेले का हलवा बनाकर ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि करेला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमें इसे तरह तरह की रेसिपीज़ बनाते हुए इसे बनाते रहना चाहिए। आपको ये देखने में जितना अच्छा लग रहा होगा, खाने में ये आपको कई ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस करेले के हलवे को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत ही कम टाइम में आप इस टेस्टी करेले के हलवे को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस करेले की मज़ेदार से हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार से करेले की हलवे की रेसिपी कैसी लगी।